हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 18 फॉर क्लास 7th मैथमेटिक्स की। बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 24 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम एक्सपोनेंट्स और जो पावर है उसको कंटिन्यू करते हुए डेसिमल नंबर सिस्टम को पढ़ेंगे। सो प्यारे बच्चों, वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सभी बच्चे जानते हैं डेसिमल जो है वो क्या होता है। डेसिमल हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, लाइक 4.51। तो बेटा इसको हम कैसे पढ़ेंगे, इसको हम रीड करेंगे 4.51, नॉट 4.51। तो हम डेसिमल के बाद जो नंबर होते हैं उनको अलग अलग रीड करते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट, लेट्स रिकॉल। टू रीड, अंडरस्टैंड एंड टू कंपेयर वेरी लार्ज नंबर वी यूज एक्सपोनेंट्स। तो जो बड़े बड़े लार्ज नंबर्स होते हैं उनको समझने के लिए, रीड करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, वी यूज एक्सपोनेंट्स। एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ नंबर्स, तो बेटा जैसे कि हमें एग्जाम्पल दिया गया है 4, 7, 5, 6, 1, इसकी अगर हमें एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है तो हम इसको कैसे लिखेंगे। तो देखिए 1, ये 1 जो है किस प्लेस पे है, ये 1s प्लेस पे है, 6 10s प्लेस पे, 500 प्लेस, 7000 प्लेस एंड 4 है 10000 प्लेस पे। ठीक है, तो इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखने के लिए अब हम क्या करेंगे, हम इसको कुछ इस तरह से शो करते हैं। 4 जो है वो 10000 प्लेस पे है, तो 4 को 10000 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाय 1000 प्लेस, ओके 1000 से, प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 100, प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाय 10, प्लस 1। इसी तरह अब हमारे पास जो 10000 है उसको हम शॉर्ट फॉर्म में एक्सपोनेंट्स की हेल्प से शो कर सकते हैं। देखिए 10000 है हमारे पास, यानी 10000 का मतलब क्या है बेटे यहाँ पे, कि 10 को जो है कितनी बार मल्टीप्लाई किया गया है, 10 को 4 टाइम्स यहाँ पर मल्टीप्लाई किया गया है, तब हमारे पास क्या आया है 10000। इट मीन्स इसको हम शॉर्ट फॉर्म करके क्या लिख सकते हैं, 10 रेज टू द पावर 4। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 10 रेज टू द पावर 4 हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसी तरह सिमिलरली 1000, अगर 1000 है एज पावर ऑफ 1000 मीन्स क्या है कि हमने 10 को कितने टाइम मल्टीप्लाई किया है, 10 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया है तो हमें 1000 मिला। इट मीन्स हम कैसे लिख सकते हैं इसको, 10 रेज टू द पावर 3। नाउ ए नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज डेसिमल नंबर बिटवीन 1 एंड 10 मल्टीप्लाइड बाय अ पावर ऑफ 10, सच अ फॉर्म ऑफ अ नंबर इज कॉल्ड अ स्टैंडर्ड फॉर्म। सो बेटा जब हम किसी भी नंबर को 1 और 10 के बीच, ठीक है जिसमें 10 इंक्लूड नहीं करेंगे, 1 और 10 के बीच किसी भी नंबर से हम एक्सप्रेस करते हैं एंड मल्टीप्लाइड बाय अ पावर ऑफ 10 और फिर जो है 10 की पावर्स की फॉर्म में भी उसको हम लिखते हैं, दैट फॉर्म ऑफ अ नंबर इज कॉल्ड अ स्टैंडर्ड फॉर्म। उसको हम क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म। इसका एग्जाम्पल हम अभी आगे करेंगे। नेक्स्ट देखिए, एनी नंबर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो हम किसी भी नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, राइट 390878 इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो इसमें एक्सपेंड करके हम इसको लिखेंगे, एक्सपेंड दिस नंबर बाय एक्सप्रेसिंग पावर्स ऑफ 10 इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो कैसे लिखेंगे देखिए, 390878 गिवन है, इसमें हम क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाइड बाय, अब इसका जो प्लेस है वो हम लिखेंगे, तो इसका प्लेस देखिए यहाँ से 1 के साथ हम 1, 2, 3, 4, 5, 0 हम लगा देंगे, 2, 3, 4 एंड 5, फिर प्लस आफ्टर दैट 9 मल्टीप्लाइड बाय, अब इसका जो प्लेस है वो लिख देंगे, 1 के साथ हम लगा देंगे इसमें 1, 2, 3, 4, 0। ठीक है, तो ये इस तरह से डिक्रीजिंग होती चली जाएगी यहाँ पे पावर, तो 2, 3, 4, उसके बाद फिर से प्लस करेंगे, फिर 0 दिया गया है, 0 मल्टीप्लाइड बाय 1000, ठीक है आफ्टर दैट प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाय 100, देन उसके बाद देखिए बेटा यहाँ से 7 मल्टीप्लाइड बाय फिर क्या आ जाएगा 10 एंड देन 8 मल्टीप्लाइड बाय 1। तो 1 जो है यानी इसका जो है 1s प्लेस पे है, तो हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। इसी तरह आगे हम इसको फिर पावर्स फॉर्म में दिखा सकते हैं, 3 × 10^5, 10 की पावर 5 है, 9 × 10^4, 0 × 10^3, देन प्लस 8 × 10^2, प्लस 7 × 10^1 एंड प्लस 8 × 10^10^ कितनी है यहाँ पे, 0 है। ठीक है,
इस तरह से हम क्या है इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम इसको शो कर सकते हैं। नेक्स्ट हेयर एक्सपोनेंट्स ऑफ 10 स्टार्ट फ्रॉम अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 5। तो देखिए 5 से स्टार्ट हुई एंड गो ऑन डिक्रीजिंग बाय 1 एट अ स्टेप फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट अप टू 0। और इस तरह जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है यहाँ पे वो क्या होती चलेगी, वो डिक्रीज होती चलेगी जब तक कि 0 नहीं मिला। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एनी नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हम नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे दिखाएंगे, व्हेन वी मूव डेसिमल फ्रॉम राइट टू लेफ्ट देन वी मल्टीप्लाई बाय पावर्स ऑफ 10 विद एक्सपोनेंट इक्वल टू द नंबर ऑफ प्लेस मूव टू शिफ्ट द डेसिमल। तो बेटा देखिए इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। आपको 39087.8 गिवन है, ठीक है, इसको आपको लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है के कोई भी नंबर हो सकता है, ए बी सी डी कुछ भी आप ले सकते हो, के इंटू 10^n। ठीक है, यानी जब डेसिमल फर्स्ट डिजिट के बाद लेफ्ट जो हमारे साइड है उसके फर्स्ट डिजिट के बाद जब हम लगाते हैं और बाकी उसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो फॉर्म क्या होती है हमारी, वो फॉर्म हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, अब देखिए इसमें डेसिमल जो है कैसे मूव करते हैं हम, डेसिमल यहाँ पर है 7 के बाद, हमें ये डेसिमल 3 के बाद लेकर आना है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए। हम इसमें क्या करेंगे, डेसिमल को हम इस तरफ मूव करेंगे। जब डेसिमल इस तरफ मूव करेगा यानी डेसिमल जो है वो कहाँ से कहाँ मूव करेगा, डेसिमल मूव कर रहा है राइट टू लेफ्ट। ओके, ध्यान दीजिए बच्चों, राइट टू लेफ्ट डेसिमल यहाँ पर मूव कर रहा है। तो हमारे पास जो पावर है, जो हम 10 की पावर लगाएंगे यहाँ पर, वो आपको याद रखनी है कि यहाँ पर पावर किस में होगी, पॉजिटिव में आएगी। इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ, आप ऐसे याद कर सकते हैं लर्न। ठीक है, आप लर्न कर सकते हैं लर्न को, कैसे, लेफ्ट टू राइट अगर हम जाएंगे तो पावर हमेशा नेगेटिव में आएगी और इसका ऑपोजिट करोगे तो पॉजिटिव हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे, अब हम यहाँ पे कर रहे हैं राइट टू लेफ्ट मूव, तो यानी पावर किस में होगी, पॉजिटिव में आएगी। अब मैंने यहाँ पर डेसिमल को यहाँ पे प्लेस कर दिया 3 पॉइंट। अब हमने इसको कितना इधर शिफ्ट किया है वो देखना है, 1, 2, 3, 4 के बाद। ठीक है, 4 डेसिमल, हमने डेसिमल को 4 डिजिट से हमने इधर शिफ्ट किया है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3.90878 इंटू 10^ पावर पॉजिटिव में होगी, 10^4 बिकॉज डेसिमल इज मूव टू लेफ्ट बाय 4 प्लेसेस। ओके, 4 प्लेस जो है हमने डेसिमल को मूव किया है इसीलिए 10^4 यहां पर आ गया। आई होप बेटा आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। देखिए दिया गया है 390878, इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। तो हम इसमें देखिए डेसिमल कहीं पर गिवन नहीं है तो हम यहाँ पर अगर डेसिमल किसी भी नंबर में शो नहीं है देन वी एज्यूम इट टू बी एट द राइट एंड। तो हम यहाँ पर इसको एज्यूम कर लेंगे कि यहाँ पर डेसिमल है। अब हम क्या करेंगे, डेसिमल को करेंगे शिफ्ट। ठीक है, तो हमारे पास वही हमारा फॉर्मूला है लर्न। ठीक है, यानी लेफ्ट टू राइट है तो नेगेटिव, राइट टू लेफ्ट है तो पॉजिटिव। डेसिमल को हमें इस तरफ लेकर जाना है यानी हमें लेकर जाना है राइट टू लेफ्ट, यानी क्या होगी, पॉजिटिव पावर होगी। 3.90878 10^ कितने प्लेसेस डेसिमल इधर मूव हुआ है, शिफ्ट हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5, तो 10^5। ठीक है, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी। अब बेटा आई होप आपको ये वर्कशीट जो है ये क्लियर है, इसका कंसेप्ट क्लियर हो गया है। अब हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, लेट्स प्रैक्टिस। फर्स्ट है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म एज वेल एज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। आपको 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनको आपको एक्सपेंडेड फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म दोनों में लिखना है। तो बेटा मैं यहाँ पर चाहूंगी कि आप इसको पहले खुद से सॉल्व कीजिए, अगर आप नहीं कर पाते हैं तब आप जो है सॉल्यूशंस की तरफ मूव कीजिए। ठीक है, तो हम सॉल्यूशन कर लेते हैं, आप वीडियो को पॉज करके इसको खुद से जरूर प्रैक्टिस कीजिए पहले।
सो बेटा फर्स्ट नंबर दिया गया है 279404। अब इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म हम लिखेंगे 2 × 10^2। यहाँ पर देखिए बेटा इसकी जहाँ पे भी इसका प्लेस है उसके अकॉर्डिंग हम उसके साथ जीरो लगा देंगे। सो यहाँ पे एक के साथ हमने कितनी जीरो लगाई, यहाँ पर हमने 5 जीरो इसके साथ पुट की हैं, क्योंकि यहाँ पर इसके बाद 2 के बाद कितना इसका प्लेस कितना है, यहाँ पर 1 के साथ 5 जीरो जो है हम इसके प्लेस के अकॉर्डिंग इसके साथ पुट कर देंगे। इसी तरह 7 × 10,000 + 9 × 1,000 + 4 × 100 + 0 × 10 + 4। ठीक है बेटा, ये मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ, तो आप इजीली कर सकते हो। 2 × 10^5 लिखेंगे प्लस 7 × 10^4 प्लस 9 × 10^3 एंड 4 × 10^2 एंड 0 × 10^1 एंड प्लस 4 × 10^ यहाँ पे 10 की पावर क्या आएगी, 0। स्टैंडर्ड फॉर्म इसका लिखेंगे हम। अब देखिए यहाँ पर 2 के बाद हम इसमें डेसिमल जो है पुट करेंगे, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे तो कैसे हो जाएगा, इसमें 279404 है, यहाँ पर हम डेसिमल एज्यूम करेंगे, डेसिमल को हम इधर शिफ्ट करेंगे, पावर पॉजिटिव में होगी। सो 1, 2, 3, 4, 5 जो है 10^5 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सेकेंड करेंगे 3006194, एक्सपेंडेड फॉर्म इसकी करेंगे। इसी तरह 3 × 1 के साथ हम जो है कितनी जीरो पुट करेंगे, 6। 3 के बाद जो हमारा प्लेस है वो यहाँ पर जो है जितनी भी हमारे पास ये नंबर हैं, डिजिट हैं, जो प्लेसेस हैं उनकी जगह हम जीरो पुट करते चले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप इजीली कर सकते हो 3 × 10^6 प्लस 0 × 10^5, 0 × 10^4, 6 × 10^3 प्लस 1 × 10^2 प्लस 9 × 10^1 प्लस 4 × 10^0, ठीक है। उसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी ऐसे ही करेंगे बेटा, 3 के बाद हमें डेसिमल पुट करना है। सो 10^6 जो है यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर एज्यूम करेंगे हम लास्ट में डेसिमल को। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, 1204719, एक्सपेंडेड फॉर्म बहुत इजी है, एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाएगी बेटा। अब मैं हर एक को एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 1 × 10^5 प्लस 2 × 10^4 प्लस 0 × 10^3 प्लस 7 × 10^2 प्लस 1 × 10^1 एंड प्लस 9 × 10^0। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे 1207 19, सो 1.20719 × 10^5। नेक्स्ट देखिए, आप यहां से आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 2806196, सो बेटा इस तरह से ये भी आप जो है यहां से सॉल्यूशन कर सकते हो। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, 2.806196 एंड × 10^6 इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5th गिवन है 20682। इसी तरह बेटा आप इसको एक्सपेंडेड फॉर्म करके लिख लेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी क्या हो जाएगी, 2.0068 × 10^4 इसका आंसर होगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द नंबर्स अपियरिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो बेटा ये जो नंबर्स दिए गए हैं आपको, इनको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में जो है लिखना है, ठीक है। यहाँ पर हिंट भी दिया गया है, व्हेन नो डेसिमल पॉइंट इज शोन इन नंबर वी एज्यूम इट टू बी एट द राइट एंड। तो ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो आपको बेटा ये जो नंबर्स हैं ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने हैं, ठीक है। तो ये बेटा करते हैं इसका आंसर। सो यहाँ से पहला जो दिया गया है आपको 3000000, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, हम देखिए मानक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का मतलब क्या है कि हमें लेफ्ट हैंड की तरफ से फर्स्ट के बाद जो है हमें क्या लगाना है, डेसिमल पुट करना है। डेसिमल पुट करने के बाद जितने भी पीछे जो है नंबर्स बचे हुए हैं उनको काउंट कर लीजिए और 10^2 की फॉर्म में उनको लिख दीजिए, वो जो है आपका क्या होगा, वो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। तो जैसे यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल लें तो देखिए 3 जीरो यहाँ पर दी गई है हमारे पास, 3 यहाँ पर हमारे पास 8 जीरो हैं 3 के बाद। तो हम क्या करेंगे, 3 के बाद हम जो है यहाँ पर डेसिमल लगाएंगे, तो डेसिमल के बाद जो जीरो लिखी जाती है उनकी कोई भी वैल्यू नहीं होगी। तो हम यहाँ पर सिंपल लिख सकते हैं 3 × 10^8 मीटर पर सेकेंड जो है ये स्पीड ऑफ लाइट है इन वैक्यूम। नेक्स्ट देखिए सेकेंड दिया गया है 1400 देन 000000, तो इस तरह से ये संख्या दी गई है। अब इसको हमें कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो 1.4 हम लिखेंगे,
ठीक है, 1.4, 1 के बाद हम डेसिमल लगाएंगे, उसके बाद बाकी जो है आप काउंट कर लीजिए, ये है 9, ठीक है, तो हम लिखेंगे इंटू 10^9, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई इसकी। नेक्स्ट हम करेंगे, देखिए हमें दिया गया है 1353000000, ठीक है, इसमें हम करेंगे 1 के बाद डेसिमल हमने पुट किया, तो डेसिमल के बाद हम काउंट कर लेंगे, सो डेसिमल के बाद जब हम काउंट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 10^9, आंसर हमारा यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए नंबर 4, 384, और इस तरह से हमें ये जो है नंबर दिए गए हैं, 3 के बाद हम डेसिमल पुट करेंगे, 3.84, तो बेटा आपको लिखना है, लेकिन ये 84 जो है ये डेसिमल में भी हमें यहाँ पर लिखना है, क्योंकि डेसिमल के बाद जितने भी नंबर हमें यहाँ पर दिए गए हैं उन सबको हमें इस तरह से पावर फॉर्म में दिखाना होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। सो 3.84 × 10^8 इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद बेटा हमें जैसे 84 है, उसके बाद 3.84 है, तो उसके बाद जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन 84 तक हमें लिखना होगा, जो नंबर है वो लिखने होंगे, जीरो लिखने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट करेंगे, देखिए इसमें हो जाएगा 1.2, और उसके बाद आप काउंट कर लीजिए, 1 के बाद 10 है, तो ये आ जाएगा 10^10, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी यहाँ से। सो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट मैथ्स की, आई होप बेटा आपको ये वर्कशीट क्लियर है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।